अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका भाई मुबीन अहमद और आपके लिए लेके हुए 10 मरला का महल नुमा खूबसूरत तरीन घर और जो कि सोसाइटी का सबसे सस्ता घर है और तमाम एनिविटीज यहां पर मौजूद है। गैस, बिजली, पानी, हर तरह की फैसिलिटीज है। एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर इस टाइम हम मौजूद हैं। तो आपको सोसाइटी बता दी जाए तो सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी के खूबसूरत से ब्लॉक के अंदर ये घर मौजूद है। एलिवेशन देख सकते हैं कि इंतहाई शानदार जो है इस घर का एलिवेशन तैयार किया गया है और फैसिलिटीज मैंने आपको बताया कि तमाम यहां पर मौजूद है। पार्क करीब है, मस्जिद यहां पर आपको करीब मिलने वाली है। इसके अलावा एलिवेशन और जो कि बहुत ही सोबर किस्म का इसका रखा गया है और प्राइस आपको इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो प्राइस जो है इसकी समझ लें कि जो डीएचए में 5 मरला का घर मिलता है, यहां पर आपको सिर्फ 10 मरला का घर उसी प्राइस में मिलने वाला है। गैस मौजूद है, ये हमसाये की गैस है, लेकिन दिखाने का मतलब ये है कि आपके यहां पर गैस का ऑलरेडी जो है वो मौजूद है इंशाल्लाह। तो बेहतरीन से इंटीरियर के साथ तैयार किया गया। आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस घर का इंटीरियर भी आपको पसंद आएगा। इस घर में आपको टोटल 5 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम जो बिल्कुल सेपरेट किया गया और एक सर्वेंट रूम मिलने वाला है। बाहर एक्सटर्नल लॉन एरिया बड़ा प्यारा सा सेटअप किया गया है और एक फॉरेस्ट हाउस जो है बिल्कुल साथ में मौजूद है। 40 फीट वाइड रोड है सराउंडिंग में। आप जहां तक देखेंगे प्रॉपरली यहां पर मुकम्मल घर बन चुके हैं तो आबादी के दरमियान में मिलेगा। यहां पर इस साइड पे आपको जो है करीबी पार्क यहां पर मिलने वाली है, मस्जिद भी है जो के थोड़े से फासले पर आपको मस्जिद भी आपको मिलेगी। तो वीडियो जो कि कंप्लीट देखेंगे इंशाल्लाह आपको डिटेल मुकम्मल दी जाएगी। रैंप में आप देख सकते हैं खूबसूरत सी मार्बल फ्लोरिंग की गई है और आपको देख सकते हैं मॉडर्न डिजाइन में इस घर का जो है गेट वो तैयार किया गया है। तो यहां पर आपको जो है गाड़ी का गैराज यहां पर मिलने वाला है जिस पर मार्बल का कॉम्बिनेशन के साथ काम किया गया है। सामने आपको जो है वॉल्स पर आपको टर्वरटाइन मार्बल और ग्रास के साथ खूबसूरत सी डिजाइनिंग की गई है। इस साइड पर एलडीए बेलाउस के मुताबिक गैलरी एरिया और लॉबी एरिया के लिए भी सेपरेट डोर इस साइड पर भी मिल जाता है और लाउंज एरिया से भी डोर रखा गया है। और यहां पर भी आपको गैलरी एरिया प्रॉपरली तैयार किया गया जहां पर आपको आर्टिफिशियल ग्रास इसके साथ ही बड़े बड़े साइज की विंडोज वेंटिलेशन की रखी गई है और तकरीबन कोई 9 फीट हाइट तक इस घर का जो है आपका लॉबी एरिया का डोर रखा गया है। सॉलिड वुडन में काम किया गया है यहां पर और लॉबी एरिया सेपरेट है। लॉबी एरिया के लिए गैलरी एरिया से भी जो है वो डोर दिया गया है। इसके अलावा ड्राइंग रूम को इसको बिल्कुल सेपरेट किया गया है। लॉबी एरिया में भी फानूस खूबसूरत टाइल फ्लोरिंग इंतहाई आला। सबसे पहले आपको लॉबी एरिया दिखा दूं जहां से सीढ़ियां बिल्कुल सेपरेट ही कर दी गई हैं और वो डोर आपको देख सकते हैं कि सेकंड फैमिली के लिए रखना चाहते हैं या रेंट आउट करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इंशाल्लाह आपके लिए हो सकती है। और ये टू स्टेप का टीवी लाउंज का डोर दिया गया है और लाउंज एरिया आप देख सकते हैं कि फुल स्पेसियस साइज में रखा गया है। सामने आपको मीडिया वॉल, ऊपर आपको चिनियोटी स्टाइल में सीलिंग वर्क, फैन पूरे घर में इंस्टॉल मिलने वाले हैं और 110 इंच की एलईडी आप यहां पर जो है वो फिटिंग कर सकते हैं और एक पाउडर रूम यहां पर साथ मिलेगा। और ये आपको दिखा दूं तो खूबसूरत सी आपकी वॉल डिजाइनिंग और यहां पर आपको देख सकते हैं कि आपका ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सी डिजाइनिंग आपको जो है वेंटिलेशन एरिया का बेहतरीन सा इस्तेमाल यहां पर मिल जाता है। आपको जो है वाटरफॉल यहां पर खूबसूरत सा जो है वो तैयार किया गया है। और इस घर का ड्राइंग रूम मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सेपरेटली कर दिया गया यहां डोर्स लगाकर और ये आप देख सकते हैं कि टाइल फ्लोरिंग इंतहाई आला। आपके लिए मेहमान अगर आपके आते हैं तो बिल्कुल सेपरेट सा एक कमरे की तरह इसको बना दिया गया है। यहाँ पर भी फैन इंस्टॉल्ड है और ये वॉल डिजाइनिंग पर वॉलपेपर का काम निशेज यहाँ पर बड़ी खूबसूरत है, मोल्डिंग वर्क जबरदस्त। और ड्राइंग रूम के लिए आप लॉबी एरिया से भी जो है आपके मेहमान ड्राइंग रूम के लिए सेपरेटली आ सकते हैं। तो एक आप इसको कमरा ही समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा आपका सेपरेट किचन, किचन के साथ ही एक पाउडर रूम भी ऑप्शन। सबसे पहले किचन ही आपको विजिट करवा दूं तो यहां पर आपको अमेरिकन स्टाइल में फुल साइज का किचन यहां पर तैयार किया गया है जिसकी कैबिन क्वालिटी इंतहाई शानदार और जबरदस्त किस्म की इंशाल्लाह रखी गई है। यूवी शीट के साथ ये तैयार किया गया है जिसकी थीम जो है ब्लैक एंड व्हाइट रखी गई है और प्रॉपरली आपके यहां पर जितनी भी एसेसरीज हैं बेस्ट है। और लॉबी आपके जो है गैलरी एरिया से भी सेपरेट इस घर के जो है एक ये डोर दिया गया है और साथ में इस घर का जो है आपका स्टोर रूम भी साथ ही तैयार कर दिया गया है जिसमें आप अक्सर चीजें अपनी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम मिलते हैं इंशाल्लाह, दोनों आपको स्टेप बाय स्टेप विजिट करवा देता हूं। तो ये वाला साथ में आपका ये पहला बेडरूम है और ये साथ में इसका 2 बेडरूम, दोनों आपको मास्टर साइज में रखे गए। सबसे पहले ये वाला बेडरूम जहां पर टाइल फ्लोरिंग इंतहाई आला रखी गई है, ऊपर आपको चनौटी स्टाइल में सीलिंग वर्क का खूबसूरत सा काम किया गया है, फैन यहां पर ऑलरेडी इंशाल्लाह इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा गैलरी एरिया देखकर आपका कैबिनेट अलग कर दिए गए और ये इस घर का वॉशरूम आ गया।
कमोड की ऑप्शन है, फुल हाइट तक टाइल वर्क का काम, मिरर और वैनिटी यहाँ पर। इसके अलावा शावर एरिया को टेम्पर्ड ग्लास लगाकर बिल्कुल सेपरेटली आपके लिए कर दिया गया है। इसके अलावा थ्री सेक्शन में फुल हाइटी वार्डरोब आपको देख सकते हैं, खूबसूरत सी तैयार की गई है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से आपको इस घर का पूरा टूर करवा दूँ। और ये इस घर का जो है आपका दूसरा मास्टर साइज का बेडरूम आ गया, अटैच बाथ, वेंटिलेशन, और यहाँ पर भी सीलिंग जो है डिज़ाइन ज़बरदस्त है, और वाटरफॉल से जो है अटैच कर दिया गया है इस बेडरूम को। और गैलरी एरिया के लिए भी आपको जो है यहाँ से भी ऑप्शन रखी गई है, गैलरी एरिया से जो है वेंटिलेशन एरिया बैक में रखा गया, मोटर पंप इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा वजू करने के लिए भी प्रॉपरली यहाँ पर जगह बनाई गई है बैक साइड पे। और ये आपका वैनिटी और कमोड, इसके अलावा सीट, दो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती हैं, वैनिटी भी और कमोड और सीट दोनों ऑप्शन अगर चाहिए जिनको उनके लिए बेस्ट इंशाल्लाह यहाँ पर ऑप्शन रखी गई है। और ये आपका वाटरफॉल से यहाँ पर अटैच किया गया है, जो कि आपको खूबसूरत सा सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं, एक आपका ड्राइंग रूम जिसको बेडरूम भी आप समझ सकते हैं, एक खूबसूरत किचन और यहाँ पर पाउडर रूम। तो तीन वाशरूम, तीन बेडरूम आपको मिलेंगे। और लोबी एरिया से आपका सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर के लिए बिल्कुल सेपरेट, यहाँ पर भी आपको मार्बल का जो काम किया गया है वो इंतहाई शानदार और खूबसूरत सा किया गया है। अगेन आपको सीढ़ियाँ सेकंड फ्लोर के लिए भी बिल्कुल ही सेपरेट इंशाल्लाह मिलने वाली हैं। इस घर में जो है आपका ड्राइंग रूम जो है वो भी बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं लाउंज एरिया, अगेन उसी तरह का खूबसूरत नहीं रखा गया है। सबसे पहले इसका ड्राइंग रूम जो कि आप बेडरूम भी बना सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम भी बिल्कुल सेपरेट इंशाल्लाह कर दिया गया। कैबिनेट यहाँ पर भी आपको खूबसूरत सी मिलने वाली है, जो कि अमूमन अटैच ही कर दिया जाता है ड्राइंग रूम फर्स्ट फ्लोर का भी, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल सेपरेट मिलेगा। सेकंड फ्लोर वाले भी जो फैमिली अपने मेहमान वगैरह सेपरेट रखना चाहते हैं, ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर भी फुल हाइट तक टाइल वर्क का काम, कमोड प्लस टेरेस के साथ ये वाला बेडरूम आपका ड्राइंग रूम जो है यहाँ पर इंशाल्लाह रखा गया है। और फर्स्ट फ्लोर का जो लाउंज एरिया खूबसूरत है, यहाँ पर आपको ये टेरेस एरिया जो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली बाद में विजिट करवाऊंगा, सबसे पहले इसका लाउंज एरिया आप दिखा दूं। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो 110 इंच की एलईडी लगा सकते हैं, ऊपर आपको सीलिंग के डिज़ाइन खूबसूरत से इंशाल्लाह मिलने वाले हैं। टाइल फ्लोरिंग इंतहाई शानदार रखी गई है, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर का एक जो किचन है वो कदरे छोटा है लेकिन बड़ा खूबसूरत सा इंशाल्लाह तैयार किया गया है। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो खूबसूरत सी किचन के कैबिन मिलने वाले हैं, चूल्हा हुड वगैरह, और शाइन आप चेक कर सकते हैं कि शीट की इंतहाई आला यूवी शीट के साथ तैयार किया गया है। चूल्हा हुड तमाम चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर इंशाल्लाह इंस्टॉल कर दी गई है। तो गैन आपको जो है ये दो बेडरूम यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। तो नीचे टाइल फ्लोरिंग इंतहाई आला, सीलिंग के डिज़ाइन ज़बरदस्त, ऊपर आपको फैन इंस्टॉल मिलने वाले हैं। इसके अलावा वॉलपेपर निश्चित पर खूबसूरत है, और ये भी गैलरी एरिया देखकर इस करके कैबिनेट जो है सेपरेट कर दी गई हैं, और यहाँ पर आपको कमोड वैनिटी वाइट थीम के साथ रखी गई हैं। और साथ में इस घर का दूसरा आपका इस घर का चौथा जो है बेडरूम आपको विजिट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर भी टाइल फ्लोरिंग इंतहाई आला, दोनों बेडरूम जो है चारों बेडरूम आपको मास्टर साइज में ही रखे गए। और इस वाले बेडरूम की खासियत आपको बता दूं कि यहाँ पर टू साइड जो है वो वार्डरोब तैयार की गई है, फिर जाके आपका वॉशरूम आता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं थ्री सेक्शन में टू साइड वार्डरोब है, जो कि बेहतरीन सा आपका यहाँ पर वुडन का काम किया गया है, प्लस सीट कमोड दोनों ऑप्शन यहाँ पर भी आप मिलने वाली हैं। वैनिटी है, मिरर यहाँ पर आपको खूबसूरत है, तो जो कि आपकी फैमिली के हिसाब से बड़ी फैमिली है उनके लिए बेस्ट ये वाला घर हो सकता है कि वुडन का काम जो है यहाँ पर इंशाल्लाह शानदार किस्म का किया गया है। और बेडरूम पे टाइल फ्लोरिंग इंतहाई आला है। तो टोटल आपको इस घर में चार बेडरूम और दो ड्राइंग रूम, जिनको सेपरेट कर लेते हैं तो वो आपको छह बेडरूम ही इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका टेरेस एरिया जो कि बेहतरीन सा तैयार किया गया, आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क यहाँ पर देख सकते हैं, टर्वरटाइन मार्बल का खूबसूरत सा वर्क यहाँ पर आपको मिलने वाला है। प्रॉपर टेरेस एरिया से भी आपको जो है अटैच जो है यहाँ पर किया गया है आपके गैलरी एरिया को भी। तो खूबसूरत तरीन घर आपको इंशाल्लाह मिलने वाला है, और सोसाइटी में ब्रांड न्यू जिस ब्लॉक में ये मौजूद है उस ब्लॉक का सबसे सस्ता इंशाल्लाह घर मिलने वाला है आपको। जो है स्टोर रूम दिखाने के ऊपर जो है सर्वेंट रूम दिखाने के बाद आपको इंशाल्लाह इसकी प्राइस आपको बताता हूँ। तो ये इस घर का जो है आपका सर्वेंट रूम आ गया, जो कि अटैच बाथ के साथ ही है। यहाँ पर भी मार्बल खूबसूरत सी इंशाल्लाह की गई है, और ये साथ में दिखा दूं। आप इस घर की लोकेशन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लीजिए। तो इस टाइम हम मौजूद हैं सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी के बी ब्लॉक में। तो ये आपका खूबसूरत तरीन यहाँ घर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो डिमांड है वो 3 करोड़ 10 लाख रुपए डिमांड है।
جو کہ ٹوکن پہ نیگوشیبل ہو سکتی ہے، آپ آئیں بیٹھ کے بات کریں تو انشاءاللہ مناسب پرائز میں آپ کو ملے گا۔ یہاں پر بھی آپ کو پراپر ماربل فلورنگ کی گئی ہے اور آپ کی باربیکیو کے لیے بھی آپشن دی گئی ہے، آپ جو سراؤنڈنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں پراپرلی مکمل آباد ایریا میں انشاءاللہ یہ گھر موجود ہے۔ اور باربیکیو والا پوائنٹ بھی آپ کو ساتھ میں دکھا دیتا ہوں، تو یہ باربیکیو کے لیے بھی پوائنٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ صرف 3 کروڑ 10 اس کی ڈیمانڈ جو کہ ٹوکن پر نیگوشیبل ہے، سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی فیروز پور روڈ لاہور میں انشاءاللہ یہ گھر موجود ہے۔ باقی مزید ڈیٹیل کے لیے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔